तो राजधानी देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड पर सीएम 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में मुख्यमंत्री 11 की टीम विजयी रही। सीएम धामी की टीम ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, यतीश्वर आनंद, विधायक सहदेव कुंडीर, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनय कुमार, एसएसपी देहरादून समेत सीएम स्टाफ के कई खिलाड़ी शामिल रहे। वहीं दूसरी टीम की कप्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। सूर्या की टीम में युवा मोर्चा के सदस्यों ने मैच में प्रतिभाग किया। सीएम धामी की टीम ने युवा मोर्चा को 50 रन बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसे युवा मोर्चा की टीम बनाने में सफल रही। सीएम धामी की टीम 4 रनों से विजयी हुई। मैच के बाद सीएम ने कहा कि आज मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया, सभी ने बड़े उत्साह के साथ मैच का आनंद लिया। हालांकि खेल के दौरान सीएम धामी को चोट भी लग गई। चोट लगने के बावजूद सीएम धामी नाबाद रहे। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए एमडीडीए वीसी ब्रजेश संत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्रजेश संत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शानदार साझेदारी करते हुए टीम को संभालते हुए बेहतर स्कोर तक पहुंचाया और 21 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। कभी तनाव की जिंदगी से हटके तनाव मुक्त होकर भी आदमी को रहना चाहिए, और चूंकि हम लोग अब जंगे मैदान में जा रहे हैं तो सोचा क्यों ना क्रिकेट के मैदान में आया जाए और तनाव मुक्त होकर एक स्फूर्ति की प्राप्ति भी की जाए और जीतने के उद्देश्य को और बलवती किया जाए, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जिसमें हर व्यक्ति जीतने के लिए खेलता है। मैत्री मैच था, मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को, इसमें भाग लेने वालों को, हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। मैत्री मैच था, मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी दोनों टीमों को। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले को 19,44,52,000 रुपयों की सौगात दी है। सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। महाराज ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में ललित कला अकादमी, भारत सरकार और संस्कृति विभाग उत्तराखंड के सहयोग से राष्ट्रीय चित्रकला शिविर में भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत भी मौजूद है। यहाँ पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी और हमारे सिंचाई विभाग के और पर्यटन विभाग के जो हमारे जो काम हैं उनका लोकार्पण किया है। ये 19,44,092,000 के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है, और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकेडमी को स्थापित करें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। यहां कर्नल अजय कोठियाल ने डॉक्टर से की मुलाकात की। इसके बाद अस्पताल के कई विभागों का निरीक्षण किया। कोठियाल ने निरीक्षण के दौरान कहा, वहां भर्ती मरीजों से भी बात की। मरीजों के साथ उनके तीमारदारों से भी कर्नल अजय कोठियाल रूबरू होते नजर आए। तीमारदारों ने कोठियाल से अस्पताल की तारीफ की। अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार आने पर ऐसे ही अस्पताल बनाएंगे जहां पर निःशुल्क सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। देहरादून में उत्तराखंड आपकी सह मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी ने इस दौरान सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से शुरू हो जाएगा महिला गारंटी का रजिस्ट्रेशन, महिला सशक्तिकरण के लिए इतिहास का ये सबसे बड़ा कदम उन्होंने बताया। आम आदमी पार्टी 10 दिन में 350 मातृशक्ति संवाद करेगी। आपकी चौथी गारंटी ₹1,000 प्रतिमाह के बारे में भी बात की। केजरीवाल जी कुछ दिनों पहले काशीपुर में आए थे और उन्होंने अपनी चौथी घोषणा के रूप में ये कहा था कि महिलाओं का सम्मान करते हुए हम ₹1,000 हर महीने महिला सम्मान राशि हम लोग जो है वो महिलाओं को देंगे। तो इसी को लेके एक कैंपेन हम लोग 24 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। ये 10 दिन का समय कैंपेन है और इस कैंपेन में हमारे तमाम कार्यकर्ता महिलाओं के घर जाएंगे, घरों में जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस कैंपेन को आगे मजबूती से बढ़ाने के लिए दिल्ली से आतिशी जी, गीता रावत जी, वंदना कुमारी जी सभी तमाम यहाँ पर आएंगे और हम लोग 350 से ज्यादा महिला संवाद कार्यक्रम भी यहाँ पर रखेंगे।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री का उत्तराखंड दौरा हुआ। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने यह जानकारी दी है। आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने यह जानकारी दी है कि 22 दिसंबर को जसपुर और कक्षा में गौतम जनसंवाद करेंगे, दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचेंगे। 23 को सितारगंज और लालकुआ में भी जनसंवाद का एक कार्यक्रम होने वाला है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं, उनका उत्तराखंड दौरा है, चुनाव के मद्देनज़र जनसंवाद भी करेंगे। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे राजेंद्र पाल गौतम। माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का दो दिवसीय दौरा उत्तराखंड की चार विधानसभाओं में होगा, जो जसपुर, किच्छा, सितारगंज और लालकुआ में 22 और 23 दिसंबर को होना है। माननीय मंत्री जी पहले भी कई बार उत्तराखंड में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और उनकी सभाओं में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ी है, और इस बार भी वो देवभूमि जनसंवाद को इन चार विधानसभाओं में संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार के बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का मंगलवार को हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा में वो पहुंची। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा, कुश्ती रेसलर बबीता फगौट के नेतृत्व में विजय संकल्प यात्रा ने ज्वालापुर विधानसभा में भ्रमण किया। उधर उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने ठंड के लिहाज से प्रदेश के दो जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में शीतलहर होने की संभावना है, इसलिए इन दोनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के सभी जिलों में आज मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। राज्य में कहीं कहीं पर पाला पड़ने की भी संभावनाएँ जाहिर की गई हैं। तो उत्तराखंड में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हरिद्वार में तो शीतलहर चल रही है, ऐसे में बेसहारों को रैन बसेरा ही उनका आसरा है। हरिद्वार शहर में रैन बसेरों की स्थिति क्या है, वहां लोग किस हाल में रह रहे हैं, इसको लेकर मेयर अनीता शर्मा ने सोमवार देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मेयर अनीता शर्मा ने सबसे पहले हरिद्वार के अलकनंदा घाट के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। मेयर ने देखा कि रैन बसेरे की खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। इस पर मेयर ने जल्द से जल्द उसे ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मेयर हाथी पुल के पास महिलाओं के लिए बने रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बात की। मेयर ने सभी रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। निरीक्षण और भी रैन बसेरे में कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। जो भी दिक्कत हो रही है, एक तो जहाँ भी खिड़कियाँ हैं वहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएंगे, क्योंकि घाट की व्यवस्था देखो आप, नीचे ठंड हो रही है। तो मैं यही देखने आई थी कि कोई परेशानी नहीं है इनको, कुछ है तो हमें बताइए आप। तो इन लोगों ने कहा कि कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आया नहीं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।